अज असी इस वीडियो दे विच रैशनल नंबर्स दे मल्टीप्लाई सिखांगे, परिमेय संख्यावां दी गुणा करने सिखांगे ते परिमेय संख्यावां नूं पी ओवर क्यू फॉर्म वाली संख्यावां नूं किस तरह मल्टीप्लाई करना है। ते पहला साडे कोल सामने है जिहड़ा 3/5 एक परिमेय संख्या है, उहदी गुणा करनी है आपां 25/18 दे नाल। 3/5 × 25/18 ते इस तरह लिखा है तुहाडे सामने 3/5 × 25/18। ते हुण आपां इन्हां दे विच अंश ते हर दोनों दे, चाहे पहले दा अंश होवे ते दूजे दे हर दे नाल, उह कैंसल जे कोई हुंदा है तां असीं कैंसल करना है, चाहे दूजे दा जिहड़ा अंश है उह पहले दे हर दे नाल होवे। जाने के न्यूमीरेटर ते डिनोमीनेटर जो हन कॉमन जो उन्हां दे फैक्टर हन उन्हां नूं असीं कैंसल कर देना है। तो देखते हैं आपां किहड़े दा कैंसल हुंदा है, किहड़ा अंक ते उसनूं शॉर्ट फॉर्म दे विच लैणा है। तो 3 जिहड़े हन ते 3 × 18 जिहड़े आ इक दूजे दा पहाड़ा हुंदा है, 3 × 1 = 3 ते 6 × 3 = 18, एक तां इह कैंसल हो गए। तो 5 जिहड़े है वह 5 भी जिहड़े है 25 दे नाल कैंसल हो जांदे हन, 5 × 5 ते 5 × 5 = 25। तो फिर साढ़े को इतने उपर 5 बच गए, थले 6 बच गए, यह आपस में कैंसल होंगे नहीं, तो इधर एक एक ही बच गया। तो फिर आप करना है जदों तक कैंसल होंगे उदों तक कैंसल कर देने, जो कैंसल होने तो हट गए, जो सारे जो मिनीम फॉर्म में आ गए, छोटे तो छोटे रूप में आ गए, तो आप अंशा की अंशा ना मल्टीप्लाई कर देनी है, तो हर की हर मल्टीप्लाई कर देनी है। इस गल का ख्याल रखना कि जदों असी प्लस या माइनस करते हाँ, प्लस से माइनस करने का तरीका जिहड़ा डिफरेंट हुंदा है, उहदे विच नहीं असी अंशां नूं अंशां विच प्लस करते, हरां नूं हरां विच प्लस करते, उदां नहीं करते, पर मल्टीप्लाई दे विच आपां अंशां नूं अंशां नाल गुणा करते ते हरां नूं हरां नाल गुणा करते। इस गल नूं बहुत ही ध्यान दे नाल दिमाग दे विच बिठा लेना है। तो हुण आपां इत्थे किन्ना है अंश 5 है, तो उपर इधर किन्ना है 1 है, तो इधर किन्ना है 5 है, 1 × 5 की गुणा कीती 5 × 5, उपर बन गए 5 ते थले 6 × 6 ते थले बन गए 6, ते ये साडा 5/6 जिहड़ा है आंसर आ गया है। ते हुण आपां एक होर सम देखदे हां, −14/15, 10/21 अते −9/35 दी गुणा करो। 3 अंकां दी गुणा करनी है, चाहे 2 दी होवे, 3 दी होवे, 4 दी होवे, जिन्ने मर्जी अंकां दी गुणा होवे, तां रूल जिहड़ा है वह एक ही रहिंदा है, उही रूल रखना है कि अंशां ते हरां नूं जिहड़ा है वह असीं कट देना, कैंसल कर देना, जिहड़े उहनां विच कट हुंदे होण कैंसल हुंदे होण। ते आपां इस सवाल नूं करदे हाँ, पहला आपां लिख लिया −14/15 ते गुणा 10/21 गुणा −9/35। ते फिर हुण आपां अंशां नाले हरां दा देखणा है वी किसे दा टेबल जिहड़ा है एक दूजे तक आउंदा है। कैंसल करन वास्ते बिल्कुल जिहड़ा है ध्यान दे नाले हमेशा लई इस चीज़ की तो लोड़ रहिंदी है कैंसल करन दी, चाहे जमातां बड़ियां होण, चाहे 6वीं होवे, चाहे 10वीं, चाहे उह तों वी वड्डियां होण, कैंसलिंग जिहड़ी है बहुत ही जरूरी है। इस ते मैं अलग भी एक टॉपिक जिहड़ा है एक वीडियो अलग भी बनावांगा, पर हुण आपां इत्थे देखदे हां कि उपरले नाले थले वालियां दे विच अंशां ते हरां दे विचों जे कोई कैंसल हुंदा है किसी दे नाल, आपां कोई इन्हां दे विचों देखदे हां। मान लो असीं आह ले लिया 14 लै 14 ले लिया, तो इधर 21 ले लिया, हुण असीं देखणा भी किसी का पहाड़ा किसी होर अंक का जिहड़ा पहाड़ा है भी क्या इन्हां दोनों तक जाता पूरा पूरा, कोई होर जिहड़ा है वह इन्हां दे होर दा टेबल दे जिहड़ा इन्हां दे विच आउंदा है, जां उहदा इक होर भी मैं तुहानूं दस्सिया तरीका कि वह जिहड़े जिहदे नाल इह कट हुंदे हन वह इन्हां दा HCF हुंदा है जी। HCF फाइंड कर लो तो थोड़ा लौंग दे विच चल जाता, पर उस सब तो जो सौखा तरीका है इन्हां दा HCF जो देख लो कि 19 दे नाल ही कैंसल होंदे हन, पर हुण सानूं इदां भी पता लग जाता है कि 7 दे पहाड़े दे विच दोने आउंदे हन, तो मैं तो 7 लिखदा हाँ भी 7 दे पहाड़े दे नाल आपां इन्हां नूं कैंसल करना है। 7 दा पहाड़ा कित्थे तक बढ़ी कि 14 बन गए 2 तक, 7 × 2 = 14, तो उही 7 दा पहाड़ा कित्थे तक बढ़ी कि 21 बन जाए 7 × 3 = 21, उही जिहड़ा है एक अंक दा पहाड़ा दोनों तक बनना है, तां जिहड़ा है कैंसल जिहड़ा है सही हुंदी है कैंसलिंग। इदां नहीं करना भी उपर वाले नूं किसी होर पहाड़े नाल कर दो, थल्ले वाले नूं किसी होर दे नाल कर देता, तां जिहड़ा है साडा जिहड़ा सामने गलत हो जाएगा। तो हुण इत्थे 2 बच गए, इत्थे 3 × 15 = 35 है, फिर 3 दे नाल देखो 3 दा पहाड़ा किसे तक आंदा है, 3 इधर 9 है, ये जिहड़े 3 नाल कट जाऊंगे, 3 × 3 ते 3 × 3 = 9,
ਤੇ ਤਿੰਨ ਦੇ ਪਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕੱਟ ਗਏ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਧਰ ਦੋ ਰਨ ਦੋ ਤਾਂ ਨਾ 15 ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਹੁੰਦੇ ਨਾ 35 ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇੱਧਰ 15 ਹੈ ਜਾਂ 35 ਹੈ ਤੇ 10 ਦੇ ਨਾਲੇ 15 ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ 5 ਦੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 5 ਦੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 5 ਦਾ ਟੇਬਲ ਪੜਾਂਗੇ 5 ਦਾ ਟੇਬਲ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪੜੀਏ 15 ਬਣ ਗਏ 5 × 3 = 15 ਤੇ ਉਹੀ 5 ਦਾ ਟੇਬਲ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪੜੀਏ 10 ਬਣ ਗਏ 5 × 2 = 10 ਤੇ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕੈਂਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 3 ਤੇ 3 ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਇੱਥੇ 3 × 1 = 3 ਇੱਥੇ ਵੀ 3 ਹਨ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ 3 ਹਨ 3 × 1 = 3 ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਚ ਗਈ ਹੈ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 2 ਹਨ ਇੱਥੇ 2 ਹਨ ਇੱਥੇ 1 ਹੈ ਉੱਪਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਥੱਲੇ ਇੱਥੇ 1 ਹੈ ਇੱਥੇ 1 ਹੈ ਇੱਥੇ 35 ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਣੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਈਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣੀ ਵੀ ਸਾਈਨ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹਨ ਸਾਈਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ 2 ਦੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆਪਾਂ 2 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 2 × 2 = 4 1 ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 4 ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਕਿਹੜਾ ਬਚ ਗਿਆ 1 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਕੀਤਾ 1 ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 1 ਨੂੰ 35 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤੇ 35 ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ 4/35 ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਈਨ ਦੇਖਣੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 14 ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਹਨ ਆਹ 10 ਪਲੱਸ ਦੇ ਹਨ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਆ 9 ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਹਨ ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਵਾਰੀ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਹ 2 ਵਾਰੀ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਆ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਪਲੱਸ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਸਾਰੇ ਪਲੱਸ ਦੇ ਹੀ ਹਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 4/35 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪਲੱਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਬੇਟੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਥ ਸੌਖਾ ਲੱਗੂੰਗਾ ਅਤੇ ਆਊਂਗਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦਿਆ ਕਰੋ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ